तो एवेटार 2 मूवी आ गई है और चलो टिकट्स बुक करते हैं और देखने जाते हैं। पेटीएम खोलते हैं। एक मिनट, ये दिखा रहा है क्रेडिट कार्ड बिल ड्यू। ठीक है, पहले ये पे कर लेते हैं। और यहाँ दिखा रहा है कि 8,200 समथिंग बिल बाकी है। बट एक मिनट, मैंने पेटीएम ऐप में कभी अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं किया है, ना ही मैंने पेटीएम ऐप में कभी उसे लिंक किया है, तो इसे कैसे पता चला कि मेरा इतना बिल अमाउंट ड्यू है? कार्ड फाउंड थ्रू SMS। ठीक है, खोल के देखते हैं क्या है। हाउ डज पेटीएम रिसीव माई क्रेडिट कार्ड बिल इन्फॉर्मेशन? ठीक है, बेस्ड ऑन द परमिशन यू ग्रांटेड टू रीड ट्रांजेक्शन SMS, पेटीएम रीड्स एंड अपडेट्स क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन सेंट बाय बैंक्स। वी डू नॉट रीड एनी पर्सनल SMSs। एंड पेटीएम रीड्स बिल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड एक्सट्रैक्ट्स द ड्यू डेट एज वेल एज ड्यू डेट एंड ड्यू अमाउंट। ओके, ठीक है। सो बेसिकली कहना चाहते हैं ये लोग कि SMS आया होगा, जो कि मैं अभी यहाँ पे स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा। तो इस SMS को रीड करके ये लोग ने डिडक्ट किया, इन्होंने ने शो किया मुझे कि मेरा इतना बिल अमाउंट बाकी है और ये डेट को बाकी है और ये बैंक का क्रेडिट कार्ड है। बट नीचे यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दी है कि पेटीएम हाउ डज नो वॉट डज वॉट इन्फॉर्मेशन डज पेटीएम एक्सेस बाय SMS। तो डेटा प्राइवेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। ठीक है भाई, मान लेते हैं। एंड वी विल ओनली रीड SMS विच आर रेलेवेंट टू प्रोवाइड यू अ बेटर यूजर एक्सपीरियंस। ओके, नो पर्सनल SMS और OTP विल बी रेड। कूल, बट अब मेरा सवाल यह है कि पेटीएम को कैसे पता चलता है कि कौन सा SMS पर्सनल है, कौन सा SMS मेरा क्रेडिट कार्ड के लिए है, कौन सा SMS पेटीएम ऐप के लिए खुद आया है? ये तो कैसे डिसाइड करेगा? इसके लिए वो सारे SMS पढ़ेगा और सारे SMS पढ़ने के बाद ही उसे पता चलेगा कि ये SMS पर्सनल है या नहीं। सो ऑलवेज बी केयरफुल कि किसी भी ऐप को कभी भी आप परमिशन देते हो टू रीड योर SMS, टू रीड योर कॉल लॉग्स, तो वो सारा का सारा डेटा एक्सेस कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने ऐप के SMS या अपने ऐप के कॉल लॉग्स ही रीड कर पाएगा। रीड करने के बाद ही पता चलेगा ना कि ये SMS तो एक्सिस बैंक का था, ये SMS पेटीएम का था, ये SMS किसी ने पर्सनल SMS भेजा है। सो ऑलवेज बी केयरफुल। बस यही एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाना था।